तंजील हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे की आज यूपी पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी तंजीम है जिसने हत्याकांड के मास्टरमाइंड मुनीर को दिल्ली में ठिकाना मुहैया कराया था। आज तक के पास घर के एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। यह एग्रीमेंट तहकीकात में फर्जी पाया गया। आज तक के पास मास्टरमाइंड मुनीर की भी सबसे ताजा तस्वीर है। दिल्ली में मुनीर मोहसिन के नाम से रह रहा था जबकि तंजीम परवेज के नाम से। बड़ी खबर है, फर्जी नाम से रह रहा था मुनीर दिल्ली में। इस पूरे मामले में दो और आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज तक के पास फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी है। मुनीर का फर्जी नाम था मोहसिन। अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, आज तक के हाथ जो है एक्सक्लूसिव फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी लगी थी जिसमें मुनीर जो है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी ताजा तस्वीर उसमें मिली है। और सबसे बड़ी चीज की जो मुनीर है वो अपना नाम बदलकर मोहसिन के नाम से दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रह रहा था। फिलहाल इस पर 2 लाख का इनाम वो यूपी पुलिस ने रखा हुआ है। जबकि दूसरा शख्स जिसका नाम तंजीम बताया जा रहा है, जो आज गिरफ्तार हुआ है, वो भी नाम बदलकर परवेज के नाम से दिल्ली में रह रहा था। तो 1 जनवरी का ये पूरा एग्रीमेंट है निशांत, मैं आपको बता दूं। और दिसंबर में जिस तरीके से यूपी पुलिस ने खुलासा किया था कि उत्तर प्रदेश के धामपुर में 91 लाख की लूट हुई थी, ऐसा माना जा रहा है कि 91 लाख की लूट के बाद मुनीर जो मुख्य आरोपी है, मोहम्मद तंजील जो एनआईए के अफसर है उनका, वो दिल्ली के जामिया नगर में, यानी मोहम्मद तंजील जहाँ उनका घर है वहां पे बेहद करीब बाकायदा फर्जी एग्रीमेंट के जरिए नाम बदलकर मोहसिन के नाम से छुपा हुआ था। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का